वाक् ललद्यत का लिखा हुआ एक चर्चित रचना है, जिसका मैं आपको पूरा बताती हूँ सब इसके बारे में। प्रस्तुत काव्य में प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री ललद्यत की वाक् के नाम से चर्चित रचनाओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ललद्यत ने अपने साहित्य के माध्यम से वही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया जो हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के द्वारा किया था। यही कारण है कि ललद्यत को कश्मीर की मीरा कहा जाता है। ललद्यत ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। पहला वाक्य पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह रहे उक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में कवयित्री कहती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस सांसारिक सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, वह अत्यंत क्षीण कमजोर कच्चे धागे की है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। ना जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे। यहाँ पर भवसागर का तात्पर्य है संसार से मुक्ति कब उसे मिलेगी। मेरे सारे प्रयत्न निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है, तो भी मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा है जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिस जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा हुआ है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। दूसरा वाक जो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक में कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जिससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा, तो तंत्र साधनाएं उसे अहंकारी बना देंगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा के से अधिक श्रेष्ठ है। कवयित्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक मार्ग और है, जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है। यानी कि वो दोनों के मध्य का मार्ग अपनाने की बात कर रही हैं। यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वयं ही खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाएगा। तीसरा वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवयित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने लगी। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम से मैंने संपूर्ण जीवन बिता दिया। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने
यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया है, तब मैंने अपनी जेब टटोली यानी खोजी तो ईश्वर रूपी माझी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना और उसका प्रेम चाहिए। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक रहा क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक में कवयित्री कहती हैं, कवयित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसा हुआ है। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती हैं। कवयित्री कहती हैं कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में भेद नहीं करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम में ही ईश्वर बसता है। स्वयं ही में ही ईश्वर को खोजो तो यह अवश्य मिलेगा। वह चेतना रूप में हमारे अंदर ही है, परंतु हम उसको खोज नहीं पाते हैं। प्रस्तुत वाक में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है, साथ ही यह बताने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य उसे यानी ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता है।